हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अर्पित और आज हम जिस पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने जा रहे हैं वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस इंग्लिश फिलोसोफर थे। इनका जन्म 1806 में हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम के एक स्टूडेंट थे। ठीक है, जेरेमी बेंथम जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था। जेम्स मिल बेंथम के सहयोगी भी थे और मित्र भी थे। और ये जो दो व्यक्ति हैं, जेम्स मिल और बेंथम, इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के शुरुआती जीवन को काफी प्रभावित किया, काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की। वो कभी कोई कॉलेज या स्कूल नहीं गए। उनकी सारी पढ़ाई उनके घर पर ही हुई, उनके पिता जेम्स मिल के अंतर्गत। ठीक है, जेम्स मिल ने बेंथम के साथ मिलकर एक करिकुलम डिज़ाइन किया जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए, और इसी करिकुलम के अकॉर्डिंग मिल की पढ़ाई होती है। मिल का जो बचपन था वो और बच्चों की तरह नहीं था। उनके खेलने की उम्र में उनके हाथों में ऐसी ऐसी किताबें दी गई जो कि नॉर्मली एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के पास होती हों, जैसे कि प्लेटो की द रिपब्लिक, एरिस्टोटल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैलकुलस, इन सारी चीज़ों को उन्हें पढ़ने को दिया जाता था जॉन स्टुअर्ट मिल को। 4 वर्षों की आयु तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने ग्रीक जैसे डिफिकल्ट भाषा को सीख लिया था, और 7 वर्षों की आयु तक उन्होंने लैटिन को समझ लिया और सीख लिया। 13 वर्ष की आयु तक, स्कॉलर्स का मानना है कि 13 वर्ष की आयु तक मिल का जो नॉलेज लेवल था वो किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट था। मिल जो थे वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता को उनके रिसर्च वर्क में असिस्ट किया करते थे, और बेंथम को भी वो असिस्ट करते थे। ठीक है, मिल के पिता जेम्स मिल ने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस किताब के प्रकाशन के बाद जेम्स मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाती है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से जॉन स्टुअर्ट मिल भी जुड़ जाते हैं 17 वर्ष की आयु में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में हम जानते हैं, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी जो जिसके ट्रेड के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश जो पीपल जो है वो इंडिया में अपना शासन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय थे। ठीक है, हाई पोस्ट पे थे, और 1858 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय बनकर रहेंगे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली डिसॉल्व कर दिया जाता है 1857 के रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मिल का जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही डिफरेंट था एक नॉर्मल बच्चे के जीवन से। अगर आप उसे कंपेयर करोगे, उन्हें बहुत अधिक पढ़ना पड़ता था, अपने पिता को असिस्ट करना पड़ता था, बेंथम को असिस्ट करना पड़ता था, साथ ही साथ उन्हें नौकरी भी करनी पड़ती थी, तो उनका जो लाइफ था वो बहुत ही हेक्टिक था, मोनोटोनस था। ठीक है, बहुत ही मुश्किल था। और ये जो लाइफ है, इस ये जो मोनोटोनस हेक्टिक लेबोरियस लाइफ है, इसका रिजल्ट हमें तब देखने को मिलता है जब मिल 21 वर्ष के हो जाते हैं। 21 वर्ष की आयु में मिल के साथ एक घटना घटती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और स्कॉलर्स का मानना है कि मिल का डिप्रेशन के पीछे कारण था उनका लाइफस्टाइल जो इम्पोज किया गया था उनके ऊपर उनके पिता जेम्स मिल और बेंथम के द्वारा, एक हेक्टिक लेबोरियस मोनोटोनस लाइफस्टाइल। ठीक है, मिल डिप्रेशन में चले जाते हैं 21 वर्ष की आयु में। उन्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस डिप्रेशन से बाहर निकलना मिल के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो बाहर निकलते हैं पोएट्रीज के माध्यम से, वर्ड्सवर्थ और दूसरे पोएट्स के पोएट्रीज, कविताओं को पढ़कर मिल जो है इस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद मिल का जो नज़रिया था जीवन को देखने का, दुनिया को देखने का, जो उनका नज़रिया था वो काफ़ी बदल जाता है। अभी तक मिल जो थे वो अपने पिता और बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के फिलॉसफी को बस यूं ही एक्सेप्ट करते आ रहे थे। लेकिन इस डिप्रेशन के बाद, मेंटल डिप्रेशन के बाद, वो यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरह मिल जो है वो बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को एक तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है मिल के लाइफ से जुड़ी, एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, हेरियट टेलर। हेरियट टेलर नामक महिला से मिल की मुलाकात होती है जब मिल 24 वर्ष के होते हैं। ठीक है, और इनके बीच एक बहुत ही गहरी दोस्ती 20 वर्षों तक चलती है हेरियट टेलर और मिल के बीच। और 20 वर्षों के बाद मिल और हेरियट टेलर का विवाह हो जाता है।
मिल अपने ऑटोबायोग्राफी में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हैरियट टेलर का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। ठीक है, स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि हैरियट टेलर और मिल दोनों साथ में मिलकर कई किताबें लिखी, और जो दो इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इन दोनों वर्क को स्कॉलर्स मानते हैं कि मिल ने अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ लिखा, और इन दो किताबों में मिल के विचारों के साथ साथ हैरियट टेलर की भी विचार सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के इम्पॉर्टेंट वर्क्स की, तो ये कुछ उसके इनके इम्पॉर्टेंट वर्क है। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 14 वर्षों की आयु में जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पहली पुस्तक पब्लिश करते हैं, एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये एक टेक्स्ट बुक की तरह होती है। ठीक है, इसके बाद वो सिस्टम ऑफ लॉजिक एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से जुड़े जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो किताबें हैं ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें इन चार वर्क्स में देखने को मिलेंगी, और अभी जो हमारा एनालिसिस होगा जॉन स्टुअर्ट मिल का, उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी का, वो इन चारों किताबों पर ही केंद्रित होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को किस तरह से मॉडिफाई किया, कौन से बदलाव उन्होंने लाए। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी के प्रिंसिपल को, इंडिविजुअल लिबर्टी से वो क्या समझते हैं, हार्म प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया, बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, इसे हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर मिल का क्या विचार है, और राइट्स ऑफ वुमेन, महिला अधिकार, महिलाओं के अधिकार के ऊपर मिल क्या सोचते हैं, ये भी हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म, मिल का यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर मिल क्या कहते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो विचारधारा है, उपयोगितावाद का ये जो सिद्धांत है, ये जो विचारधारा, इसे मूलतः जेरेमी बेंथम ने दिया। ठीक है, और जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम ने मिलकर क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म को शेप किया। क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म का मानना है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उनका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, प्लेजर को एक्सपीरियंस करना और पेन को अवॉइड करना, और हर वो काम, हर वो एक्शन सही है जिससे हम अपने प्लेजर को बढ़ा सकते हैं, प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और पेन को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ तक जॉन स्टुअर्ट मिल अपने पिता जेम्स मिल और बेंथम के साथ हैं, यहाँ तक वो यूटिलिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का ये जो बेसिक एजम्पशन है, इसे जॉन स्टुअर्ट मिल एक्सेप्ट करते हैं। मिल एक्सेप्ट करते हैं कि कोई एक्शन सही है या गलत, इसका निर्णय हम उस एक्शन, उस एक्टिविटी से होने वाले कंसीक्वेंस के बेसिस पर लेंगे। अगर कंसीक्वेंस अच्छा है, अगर कंसीक्वेंस से हमारा प्लेजर इंक्रीज कर रहा है, हमारा पेन कम हो रहा है, तो वो एक्शन मॉरली सही है। ठीक है, यहां तक मिल जो है वो बेंथम के साथ है। लेकिन देखिए, मिल और बेंथम में जो मेजर डिफरेंस है वो कहां पर आएगी। बेंथम ने कहा था कि प्लेजर जो है वो इक्वल होता है, बेंथम जो है वो प्लेजर के क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, वो क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइसक्रीम खाने से हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, और एक सपोज रविंद्रनाथ टैगोर के पोइट्री पढ़ने से हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, तो मिल बेंथम का कहना है कि ये जो दो प्लेजर है ये दोनों सेम है, इक्वल है। क्वांटिटी के मामले में ये अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में ये दोनों सेम है। बेंथम कहते हैं कि मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करता, प्लेजर इज प्लेजर नो मैटर फ्रॉम वेयर यू गेट। आप आइसक्रीम खाकर प्लेजर एक्सपीरियंस करो, या शेक्सपियर या रविंद्रनाथ टैगोर के पोइट्रीज पढ़कर आप प्लेजर एक्सपीरियंस करो, दोनों प्लेजर सिमिलर है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मिल कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। प्लेजर क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती हैं, क्वांटिटी में डिफरेंस के साथ साथ प्लेजर को हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है। मिल का मानना है कि आइसक्रीम खाने से जो हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, और विलियम शेक्सपियर या रविंद्रनाथ टैगोर के पोइट्री पढ़कर जो हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, इन दोनों प्लेजर्स में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, आइसक्रीम वाले प्लेजर को मिल कहेंगे ये एक लोअर प्लेजर है, और पोइट्री वाले प्लेजर को मिल कहेंगे कि ये हायर कैटेगरी का प्लेजर है। तो मिल जो है यहीं पर डिफर करते हैं बेंथम से, और यूटिलिटेरियनिज्म में ये एक बड़ा बदलाव वो लाते हैं कि प्लेजर इज इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिवली, क्वालिटी पर वो फोकस करते हैं। ठीक है,
जिसे बेंथम ने कहा था कि पोइट्री इज एज गुड एज पुशपिन। पुशपिन जैसा मैंने आपको बताया, पुशपिन का मतलब है एक एक तरह का खेल है जो बच्चों के द्वारा खेला जाता था, तो उस खेल से जो हमें प्लेजर मिलता है और पोइट्री पढ़कर जो हमें प्लेजर मिलता है, बेंथम कहते हैं कि ये दोनों प्लेजर इक्वल है, सेम है, लेकिन मिल कहते हैं नहीं, पोइट्री इज बेटर देन पुशपिन। ठीक है, और मिल के इस कोटेशन को आप देखिए, मिल कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, इट इज बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फैक्शन अगर हमारे पास होगी तो हम प्लेजर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, डिससेटिस्फैक्शन प्लेजर हमारा कम होगा, हो सकता है पेनफुल भी हो ये सिचुएशन। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है एक पिग, एक सेटिस्फाइड पिग बनने की या एक डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बींग बनने की, तो हम क्या चुनेंगे, हम एक ह्यूमन बींग बनना चुन ज़्यादा पसंद करेंगे, भले एक सेटिस्फाइड पिग हैप्पी है, यू नो प्लेजरेबल सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी हम एक ह्यूमन बीइंग बनना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्लेजर का क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। इसी तरह अगर हमें ऑप्शन मिले कि हम एक सोक्रेटिस की तरह विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं लेकिन डिससेटिस्फाइड हो, या तो एक बेवकूफ़ व्यक्ति बन सकते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड हो, तो हम क्या बनना पसंद करेंगे, एक सोक्रेटिस बनना पसंद करेंगे, एक विद्वान व्यक्ति बनना पसंद करेंगे। तो ये बात हाईलाइट करती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लेजर को क्वालिटेटिव वे में भी डिफर करते हैं। तो प्लेजर जो है वो प्लेजर का एक हायरार्की होता है, ठीक है, हायर प्लेजर होते हैं, लोअर प्लेजर होते हैं, सुपीरियर प्लेजर होते हैं, इन्फीरियर प्लेजर होते हैं, और ये जो हायरार्की है प्लेजर का, इस हायरार्की को मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत लाते हैं, और यही एक इंपॉर्टेंट बदलाव है जो मिल करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का कॉन्सेप्ट लिबर्टी के ऊपर, लिबर्टी का उनका क्या सिद्धांत है ये हम देखते हैं। मिल जो थे वो लिबर्टी के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, स्वतंत्रता के, क्लासिकल लिबरलिज्म का उन्हें फाउंडर माना जाता है। मिल का बस एक बात कहना था कि वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सी स्थिति है जब समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, कब कब समाज का व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना सही है, जायज है, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें ढूंढना है मिल को। मिल कहते हैं कि वो कौन सी स्थिति है जब समाज एक व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और ये हस्तक्षेप सही है गलत है, ये कौन सी स्थिति है। When it is right for the society to interfere with the liberty of an individual, किस स्थिति में समाज या सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन कर सकती है, उनके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मिल एक प्रिंसिपल को हमारे सामने रखते हैं, एक सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, और वो सिद्धांत है हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, मिल कहते हैं कि समाज या सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप तभी कर सकता है जब व्यक्ति के उस गतिविधि से या व्यक्ति के किसी गतिविधि से उस व्यक्ति के अलावा और भी लोगों को नुकसान पहुंचता हो। ठीक है, जब मेरा एक्शन मेरे अलावा और भी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो, हार्म पहुंचा रहा हो, उसी स्थिति में सरकार जो है, समाज जो है, मेरे एक्शन को, मेरे लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ह्यूमन एक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वैसी गतिविधियां जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से होता है, स्वयं से होता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दैट मीन्स वैसी गतिविधियां जिनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर पड़ रहा है, उस एक्शन को करने वाले एजेंट के ऊपर पड़ रहा है, वैसी गतिविधियों को हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। और अदर रिगार्डिंग एक्शन वैसी गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों का प्रभाव व्यक्ति के स्वयं के अलावा और भी लोगों के ऊपर पड़ता हो, ठीक है, उन्हें हम अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रिंकिंग, शराब पीना, ये किस तरह की एक्टिविटी है। अगर एक व्यक्ति अपने रूम, अपने घर में बंद कमरे के भीतर बैठकर शराब पीता है, तो उस शराब, उस मदिरा पान का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर शराब पीना जो है वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी,
और सरकार जो है उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता शराब पीने से, उसे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, उसे वो ये नहीं कह सकता है कि शराब मत पियो, सरकार उसे रोक नहीं सकता। हाँ, उसे वार्निंग दे सकता है, वो शराब की बोतल पे ये लिख सकता है कि शराब पीना इंजूरियस है हेल्थ के लिए, लेकिन डायरेक्टली जाकर उस व्यक्ति को सरकार या समाज रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उस व्यक्ति का निजी एक्शन है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, और कोई भी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में सरकार या समाज किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति शराब पीने के बाद घर से बाहर निकलकर ड्राइविंग करने लगता है, ड्रिंक एंड ड्राइव करने लगता है, तो यहाँ पर बात देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जो उसका ड्रिंक करके ड्राइव करने का जो एक्शन है, ये सेल्फ रिगार्डिंग नहीं रहा, ये अदर रिगार्डिंग हो गया। दैट मीन्स कि अगर व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट कर दे, किसी का नुकसान पहुंचा दे। तो सरकार जो है, समाज जो है, वो ड्रिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव को वो बैन कर सकती है। अगर वो व्यक्ति फिर पकड़ा जाता है गाड़ी चलाते हुए शराब पी के, तो उसे सजा दी जा सकती है, उसे पेनलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के भीतर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, सरकार समाज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती, अदर रिगार्डिंग एक्शन को सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, वहाँ पर सरकार जो है हमारे एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। ये था जॉन स्टुअर्ट मिल का लिबर्टी का सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। याद रखना है आपको, हार्म प्रिंसिपल, कोई एक्शन इंडिविजुअल सेल्फ रिगार्डिंग है या नहीं है, यहाँ पर हम हार्म प्रिंसिपल को लगाएंगे। क्या इससे किसी और को हार्म पहुँच रहा है मेरे अलावा? अगर हाँ, तो ये अदर रिगार्डिंग है, और उस एक्टिविटी को सरकार जो है, समाज जो है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, वहाँ पर सरकार मेरे स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, और लिबर्टी के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को काफ़ी महत्व दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टी उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, देखिए, मिल का एकमात्र उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को, अपने चरित्र का वो विकास कर सके, अपने इंडिविजुअल, अपने सेल्फ को वो डेवलप कर सके। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है? मिल के अकॉर्डिंग व्यक्ति की रैशनल कैपेसिटी में डेवलपमेंट होना, उसके सोचने समझने की क्षमता में डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो देखिए यहां पर मिल क्या कहते हैं कि कोई भी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं किसी बात को सच मान रहा हूं, ठीक है, किसी बात को मैं अगर सच मान रहा हूं, तो मेरा उस बात को सच मानना पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं अपने बात को और अधिक रिफाइन कैसे कर सकता हूँ? मैं जिस बात को मैं मान रहा हूँ, मेरा जो विचार है, मेरी जो सोच है, मेरी जो अवधारणा है, मैं अपने सोच को, अपने विचार को और अधिक रिफाइन जब कर पाऊँगा, तो मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँगा, तो मैं अपने सोच को, अपने विचारों को और अधिक मैच्योर कैसे बना सकता हूँ, रिफाइन कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे तभी कर सकता हूँ जब मैं औरों के साथ डिस्कशन करूं। ठीक है, जब मेरे पास आज़ादी हो, अपने विचारों को खुलकर रखने की आज़ादी हो, जब मैं अपने विचारों को रखूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना सही हूं या कितना गलत हूं। तो मिल कहते हैं कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जब वो डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा कि वो समझ पाएंगे कि वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, इस तरह से लोगों का जो विकास है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, रैशनल कैपेसिटी का जो डेवलपमेंट है, वो हो पाएगा। मिल ने फेमसली कहा कि माइनॉरिटी जो है, समाज में एक मेजॉरिटी होता है, एक माइनॉरिटी होता है, तो जो माइनॉरिटी का ओपिनियन है, उसे कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन हम ले रहे हैं, 100 लोग हैं, कोई डिसीजन हम ले रहे हैं, कोई ओपिनियन हम बना रहे हैं, 80 लोग एक मत में हैं और जो 20 लोग हैं वो अलग दूसरे मत में हैं, तो मिल कहते हैं कि वो जो माइनॉरिटी है, वो जो 20 लोग हैं, उनके मत को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनके ओपिनियन को हम सप्रेस नहीं कर सकते, उनके ओपिनियन को भी सुनना हमारे लिए जरूरी है, भले उनका ओपिनियन सही हो या गलत हो। ठीक है, तो हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, 80 लोगों का कुछ और मानना है और जो 20 लोग हैं उनका कुछ और मानना है, तो हमें उन 20 लोगों की बात को भी सुनना होगा, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। अगर उन 20 लोगों का बात सही निकला, तो हम 80 लोग जो हैं वो गलती करने से बच जाएंगे,
मिल कहते हैं, लेकिन अगर उन 20 लोगों का बात गलत भी निकलता है तो वो जो 80 लोग जो चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं वो अब और अधिक सर्वसम्मति से डिसीजन को लिया जाएगा और ज़्यादा वो उनका डिसीजन एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ मिल कहते हैं कि माइनॉरिटी के ओपिनियन को हमें कभी सप्रेस नहीं करना है, चाहे वो ओपिनियन गलत हो या सही, उन्हें उनके ओपिनियन को रखने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिल बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मिल का मानना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के होने के कारण ही व्यक्ति अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कर सकता है, अपने रैशनल कैपेसिटी को वो डेवलप कर सकता है, वो अपने सोच को, अपने अपने विचार को, अपने अवधारणाओं को और अधिक मैच्योर और विकसित बना सकता है, तब जब वो फ्रीली अपने बातों को कह सके, डिबेट और डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट कर सके। ये था जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर, जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कहना था। देखिए, जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंतर्गत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, और जब लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, अपने ओपिनियंस को रखेंगे। और जब लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, अपने ओपिनियंस को रखते हैं, तो क्या होता है, उनका मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो डेवलप करता है। इसीलिए मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बेस्ट है। लेकिन मिल यहाँ पर कुछ हमारे लिए लिमिटेशंस भी रखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेस्ट है, लेकिन उन्हीं समाज, वैसे ही समाज के लिए जहाँ पर लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो, रैशनल हो, नॉबल हो, वर्चुअस हो, ऐसे समाज के लिए ही डेमोक्रेसी बेस्ट होती है। जहाँ पर लोग अनपढ़ हो, अनएजुकेटेड हो, इरेशनल हो, वैसे समाज के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मिल का कहना है। मिल यहाँ पर यह भी बात कहते हैं कि लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी अधिक हो गया होता है, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं दूसरे लोगों की तुलना। ठीक है, जो काफ़ी विद्वान है, जैसे हम बात कर सकते हैं समाज में फिलोसोफर्स, वो काफ़ी ज़्यादा अधिक समझते हैं। एक फिलोसोफर है और एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि दोनों का जो वोट है उस वोट का वैल्यू इक्वल होगा, वन वन होगा। एक फिलोसोफर का भी वोट का वैल्यू वन होगा और एक नॉर्मल, एक ग्रेजुएट का भी वोट का वैल्यू वन होगा। लेकिन मिल कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में प्लूरल वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो लोग अधिक एजुकेटेड हैं, फिलोसोफर हैं, अधिक ज्ञानी हैं, उनके वोट का वैल्यू अधिक होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इस तरह के अरेंजमेंट को मिल करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो फिलोसोफर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके वोट का वैल्यू एक सिंपल, एक नॉर्मल व्यक्ति के वोट के वैल्यू से अधिक होना चाहिए, ऐसा मिल कहते हैं। और मिल ये भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हर सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है, खासकर नॉन यूरोपियन सोसाइटी। क्योंकि नॉन यूरोपियन सोसाइटी में वो यहाँ पर इम्फेसिस करना चाहते हैं एशियन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, लैटिन अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, तो एक तरह से मिल जो है वो डेस्पोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं समाज के लिए जहाँ पर लोग जो है वो अनएजुकेटेड हो, इरेशनल हो। ठीक है, और यहाँ पर वो बात करते हैं इंडिया जैसे कंट्री के लिए, अपने ब्रिटिश कॉलोनीज की बात करते हैं कि कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, नेटिव पीपल है, वो अपने आप को गवर्न करने के लिए केपेबल नहीं है, और इसलिए ज़रूरत क्या है कि जो ब्रिटिश पीपल है, जो यूरोपियन पीपल है, वो जाकर वैसे जगहों पर शासन करे और उन लोगों को केपेबल बनाए, उनका रैशनल डेवलपमेंट करे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे और उन्हें केपेबल बनाए ताकि वो अपने आप के ऊपर खुद शासन कर सके। ठीक है, तो एक तरह से मिल जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिल का कहना है कि कॉलोनी बनाने से हमारा हमारा उद्देश्य बस इतना होना चाहिए कि हम जो हैं कॉलोनी के माध्यम से वहाँ पे रह रहे लोगों के पर्सनालिटी में डेवलप कर सके, उन्हें केपेबल बना सके ताकि वो अपने आप को फाइनली गवर्न कर पाए। ठीक है, तो ये था मिल का विचार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर। अब हम आते हैं मिल का विचार जो है वुमेन राइट, महिला अधिकार के ऊपर उनका क्या मानना है। तो मिल ने एक किताब लिखी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इस किताब को मिल ने अपनी पत्नी हेरियट टेलर के साथ लिखी थी। ठीक है, हेरियट टेलर का काफ़ी व्यूज जो है वो हमें मिल के इस किताब में देखने को मिलता है। मिल एक फेमिनिस्ट थे, वो एक प्रोटो फेमिनिस्ट थे। फेमिनिज्म की शुरुआत हम ये नहीं कह सकते कि मिल से ही होती है, लेकिन वो एक फेमिनिस्ट थिंकर थे।
वो महिलाओं के अधिकार के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो जिस पीरियड से मिल बिलोंग कर रहे थे 19th century यूरोप, उस वक्त महिलाओं को समाज में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। राइट टू वोट उनके पास नहीं था, मताधिकार उनके पास नहीं था, इक्वल प्रॉपर्टी राइट उनके पास नहीं था। ठीक है, अगर एक महिला अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहे तो ये भी पॉसिबल नहीं था, उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। और मिल इन सारे अधिकारों की मांग करते हैं। ठीक है, मिल जो है वो ब्रिटिश संसद के एक सांसद थे, एक उन्हों एक समय था लगभग चार वर्षों तक वो ब्रिटिश संसद के एक सांसद के रूप में वहाँ पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, वो सांसद भी बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उस दौरान मिल ने वुमेन राइट्स को काफ़ी एडवोकेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। वो वुमेन के राइट टू वोट को सपोर्ट करते, उनके प्रॉपर्टी राइट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वुमेन के पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो ईजिली डाइवोर्स ले सके। मिल का मानना था कि वुमेन और मेन के बीच एबिलिटीज़ के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मिल की जो थिंकिंग थी वुमेन से रिलेटेड, और उनकी जो किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इस किताब में मिल ने जो कुछ भी लिखा है, ये फेमिनिस्ट थिंकर के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, आज भी मिल को एक फेमिनिस्ट थिंकर माना जाता है, और फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है, फेमिनिज्म की जो विचारधारा है, इस विचारधारा में मिल और उनका जो वर्क है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इसे एक लैंडमार्क वर्क समझा जाता है। तो ये था जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार फेमिनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो हमने जॉन स्टुअर्ट मिल को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको जॉन स्टुअर्ट मिल समझ में आया हो।